सलमान खान, ऐश्वर्या राय, जॉन इब्राहिम, बिपाशा बासु और अमिताभ बच्चन, रेखा। दोस्तों, ये सभी सितारे बॉलीवुड के इन सितारों में से एक रहे हैं जिनके बॉलीवुड में काफी जबरदस्त रिलेशनशिप रहे हैं, जिन्होंने एक दूसरे के साथ अपने लव रिलेशन में ऐसी केमिस्ट्री पेश की है कि हर किसी को इन सितारों की शादी का इंतजार होने लगा। पर अफसोस, इन सभी का रिश्ता ना चल पाने के चलते ये जोड़ियां ब्रेकअप करके अलग हो गयी, जहाँ ब्रेकअप करने के बाद तो अब एक दूसरे से नजर तक नहीं मिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहां बॉलीवुड की जोड़ियां अलग होने के बाद एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाती हैं, तो वहीं बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां ऐसी भी रही हैं जिनके ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती का रिश्ता बरकरार रहा। जी हां, तो आखिरकार कौन सी हैं वो जोड़ियां, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, सलमान खान और कैटरीना कैफ। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शुमार है सलमान खान और कैटरीना कैफ का, जहाँ कैटरीना कैफ के करियर की शुरुआत होने के साथ ही सलमान खान उनके साथ रिलेशनशिप में रहे थे। पर इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग धीरे धीरे काफी फीकी पड़ गयी, और इसी वजह से रणबीर कपूर के साथ फिल्म में काम करने के दौरान कैटरीना ने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि सलमान ने हमेशा ही कैटरीना के इस फैसले की कदर की, और इसी वजह से दोनों आज भी एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं। नंबर 2, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा। अपनी पहली फिल्म में अनुष्का शर्मा के साथ काम करने के दौरान रणवीर सिंह भी अनुष्का की खूबसूरती के कायल हो गए थे, जिसकी वजह से ये दोनों भी एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि कुछ समय बाद ही इनका रिश्ता अंत तक पहुंच गया, पर इसके बावजूद इन दोनों ने भी हमेशा ही अपनी दोस्ती वाले रिश्ते को बरकरार रखा, जिसकी वजह से इन्हें आगे भी एक साथ काम करते देखा गया। नंबर 3, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। रणवीर सिंह की तरह ही उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ आज भी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। जी हां, रणबीर कपूर के साथ दीपिका ने काफी सच्ची मोहब्बत की थी, पर रणबीर कपूर ने उन्हें धोखा दे दिया था। पर इसके बावजूद आज रणबीर कपूर को माफ करके आगे बढ़ चुकी है, और उनके साथ आज फिल्मों में काम करने के साथ ही काफी फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करती है। नंबर 4, ऋतिक रोशन और सुजैन खान। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ सुजैन खान का, जिन्होंने करीब 14 साल तक शादी के रिश्ते में रहने के बाद एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। पर क्योंकि ये डिवोर्स इन दोनों की रजामंदी से था, इसी वजह से इन दोनों ने आगे चलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन किया, और आज अपने अपने लव पार्टनर के साथ बेहद खुश है। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते और एंजॉय करते भी देखा गया है। तो दोस्तों, इन सभी जोड़ियों में से आप किस जोड़ी को हमेशा हमेशा के लिए एक होते देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।